स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी भू संतुलन की संकल्पना की और उस पे हमने डटन महोदय और एरी के मतों के बारे में बात करी थी। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्राट की और जॉली आर्थर होम्स के विचारों के बारे में। अब हम बात करते हैं प्राट महोदय की, प्राट के विचार। प्राट महोदय ने जब हिमालय की चट्टानों का और उसके आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया, अध्ययन किया, तब उन्होंने पाया कि जो पर्वतीय भाग हैं वो हल्के पदार्थों से बने हुए हैं और उस आधार पर उन्होंने उनके जो विचार हैं वो व्यक्त किए कि जो जितना ऊंचा उठा भाग होगा वो उतना ही हल्के पदार्थों से या कम घनत्व वाला होगा और जो जितना नीचा भाग होगा वह अधिक घनत्व वाला होगा। और इसके आधार पर उन्होंने कहा कि पर्वतों का घनत्व पठारों से कम होता है, पठारों का घनत्व मैदानों से कम और मैदानों का घनत्व सागरीय तली से कम होता है। प्राट ने बताया कि जो ऊंचाई है और घनत्व है इन दोनों में विपरीत संबंध है, यानी कि ऊंचा भाग कम घनत्व वाला होगा और जो नीचा भाग है, गहराई वाला भाग है, वो अधिक घनत्व वाला होगा। प्राट के जो विचार थे, इनका विश्वास सतीपूर्ति तल में इन्होंने अपना विचार प्रकट किया। पूर्ति तल में इनका विचार था। इनका कहना था कि ऊंचे उठे भाग जो है वो हल्के घनत्व वाले हैं या कम घनत्व वाले हैं और जो नीचे भाग है वो अधिक घनत्व वाले हैं, और इस प्रकार ऊंचे भाग और नीचे भाग सब आपस में मिलकर के एक तल होता है जिसके ऊपर समान भार उनका पड़ता है और उस तल को उन्होंने क्षतिपूर्ति तल का नाम दिया, जिसे समतोल तल भी कहते हैं। मैं ये बताना चाहूंगी कि प्राट महोदय के जो विचार थे और डटन महोदय के विचार एक दूसरे से मिलते जुलते थे काफी। प्राट ने कहा कि यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरिंग डेंसिटी, इस लाइन में उन्होंने अपना विचार दिया कि यूनिफॉर्म डेप्थ यानी कि गहराई सबकी समान होती है, उस तल के ऊपर सबका भार समान होता है क्षतिपूर्ति तल के ऊपर, विद वेरिंग थिकनेस वेरिंग डेंसिटी यानी कि एक जो स्तंभ है उसका जो घनत्व है वो दूसरे स्तंभ से अलग होता है लेकिन उनका जो गहराई होती है वो समान होती है। अगर आपको याद हो कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एरी का कहना इनके विपरीत था, उनका कहना था कि घनत्व में अंतर नहीं होता है, गहराई में अंतर होता है। प्राट का यही कहना था कि इन्होंने भी एक उदाहरण के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया। प्राट महोदय ने भी एक बर्तन में पारे भरे हुए बर्तन में उन्होंने विभिन्न धातुओं की शलाकाओं को रखा और अपने विचार को प्रकट किया। प्राट महोदय ने एक बर्तन लिया जिसके अंदर पारा
डाला, पारा जिसका घनत्व 13.6 था। उसके बाद इन्होंने इसमें अलग अलग धातुओं की शलाखाएं डाली, एंटीमनी लिया, लोहा लिया, सीसा, जस्ता, और उन्होंने उनको पारे से भरे हुए बर्तन में डाला और वो सारे जो अलग अलग धातुओं के जो स्तंभ थे उनका घनत्व में देखें अगर आप यहाँ पे, तो घनत्व में अंतर है किंतु वो सब पारे से भरे बर्तन में एक समान गहराई पर डूबे हुए हैं और इस तल पे जिसके ऊपर इन सबका भार समान पड़ रहा है उसे क्षतिपूर्ति तल का नाम दिया गया प्राट महोदय ने। और इसी प्रकार उन्होंने धरातलीय भूखंडों के आधार को भी उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया। ये पठार, बेसिन, पर्वत, सागरीय, तली, ये अधस्तर वाला भाग है सबस्ट्रेटम। पठारों का घनत्व तो उन्होंने कहा 2.7, बेसिन 2.8, पर्वत 2.6, सागरीय तली जो है इसका 3, और ये क्षतिपूर्ति तल। इन डायग्राम से भी आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि प्राट महोदय का कहना था कि जो घनत्व है और ऊंचाई है उनमें दोनों में विपरीत संबंध होता है। यहाँ पर हम देखें पर्वत सबसे ऊंचा है, उसका घनत्व सबसे कम है, और उससे नीचा पठार का बेसिन, पठार और सागरी तली जो है जो कि सबसे गहराई वाले भाग है उसका घनत्व 3 उन्होंने बताया जो सबसे अधिक है। और इसी चीज को उन्होंने पारे से भरे बर्तन में विभिन्न धातुओं के स्तंभ लिए और उनको भी उन्होंने रखा और क्षतिपूर्ति तल के ऊपर सबका भार समान था लेकिन अलग अलग धातु का घनत्व जो था वो अलग अलग था। इस प्रकार प्राट का जो विश्वास था वो इसमें था कि यूनिफॉर्म डेप्थ विद बेयरिंग डेंसिटी की गहराई समान होती है किंतु एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में घनत्व में अंतर होता है, और प्राट महोदय का विचार क्षतिपूर्ति तल के नियम में था। इसके बाद अगर हम बात करें हेफोर और बॉबी की, इससे पहले बताया जो प्राट, अगर हम एरी और प्राट इन दोनों के विचारों की तुलना करें, कई बार प्रश्न ये आ जाता है कि एरी और प्राट के विचार बताते हुए दोनों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए, तो एरी का जो विश्वास था वो लॉ ऑफ फ्लोटेशन में उनका विश्वास था, दूसरा उनका विश्वास था रूट फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट में, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं, जबकि प्राट जो थे इनका क्षतिपूर्ति तल में विश्वास था लाइन ऑफ कंपनसेशन। एरी के विचार को हम एक डायग्राम के द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं।
सेकेंड अगर हम बात करें ए बी सी और एरी जो थे, इनका कहना था कि अलग अलग भाग जो होते हैं वो अपनी ऊंचाई के हिसाब से ही अधिक गहराई तक डूबे हुए रहते हैं। जो भाग जितना ऊंचा होगा वो उतना ही अधिक गहराई तक अधिस्तर में डूबा हुआ होगा। जबकि प्राइट महोदय का कहना था कि जो अलग अलग भाग होते हैं वो क्षतिपूर्ति तल के ऊपर उनका सबका समान भार पड़ता है और उसके ऊपर उनमें घनत्व में अंतर होता है। तीसरा, एरी महोदय ने जैसे कहा यूनिफॉर्म डेंसिटी विद बेयरिंग थिकनेस, जबकि प्राइट महोदय ने कहा यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरिंग डेंसिटी। इस प्रकार एरी और प्राइट के विचारों की तुलना हम करते हैं मुख्य रूप से भूसंतुलन से संबंधित जो सिद्धांत है उनमें एरी और प्राइट के आते हैं। इसके बाद थोड़ी सी बात हम हेफोर्ड, बॉवी, जॉली और आर्थर होम्स की भी कर लेते हैं। उनके विचार भी एरी और प्राइट से मिलते जुलते थे। हेफोर्ड एवं बॉवी, इनके जो विचार थे वो इनके विचार प्राट से मिलते जुलते थे, प्राट के समान इनके विचार थे। हेफोर्ड और बॉवी का मानना था कि धरातल के ऊपर ऐसे क्षतिपूर्ति तल नहीं होता, लेकिन जैसे धरातल से नीचे गहराई में हम जाएं, तो इन्होंने कहा कि 100 किलोमीटर की गहराई पर एक जोन है, एक तल है जिसको इन्होंने क्षतिपूर्ति तल का इन्होंने कहा कि उसके ऊपर जो है घनत्व में एक स्थान से दूसरे उसमें घनत्व में अंतर होता है, लेकिन उस क्षतिपूर्ति तल के नीचे घनत्व जो होता है वो सबका समान होता है, उनका भार समान होता है। इसके बाद आते हैं जॉली, जिन्होंने 1925 में अपने विचार दिए। इनके विचार एरी के समान थे। जॉली जो हुए हैं इनके विचार एरी के समान थे। इनका कहना था कि समान घनत्व वाला जो भूभाग है, जो क्षेत्र है, उसके नीचे 16 किलोमीटर मोटाई में क्षेत्र व्याप्त है जिसमें कि जो जितना ऊंचा भाग है उसकी उतनी ही गहरी जड़ें वो डूबा हुआ है और एक भूभाग से दूसरे भूभाग में घनत्व में अंतर नहीं है, लेकिन जो भाग जितना ऊंचा है वो उस 16 किलोमीटर के मोटे क्षेत्र में जॉली ने कहा है जोन ऑफ कंपनसेशन, जिसकी मोटाई इन्होंने 16 किलोमीटर बताई है। इन्होंने कहा कि इसमें वो अपनी अपनी ऊंचाई के हिसाब से डूबे हुए रहते हैं। तीसरी बार विचार आते हैं आर्थर होम्स के। आर्थर होम्स के जो विचार हैं ये भी एरी से मिलते जुलते हैं। एरी के समान इन्होंने अपने विचार दिए और इनका विश्वास भी रूट फॉर्मेशन कंसेप्ट में था। इन्होंने कहा कि जो ऊंचे उठे भाग हैं वो अधिक गहराई तक अधिस्तर में डूबे हुए हैं और जो कम गहरे भाग हैं वो कम गहराई तक अधिस्तर में डूबे हुए हैं। तो हेफोर्ड बॉवी के प्राट से मिलते जुलते विचार थे और जॉली और आर्थर होम्स के विचार जो थे वो एरी के समान थे। इसके बाद हम बात करेंगे कि भूतल के ऊपर संतुलन की व्यवस्था के बारे में।
भूतल के ऊपर जैसा कि हमें पता है कुछ भाग ऊंचे हैं कुछ भाग नीचे हैं। कई बार क्या होता है कि पर्वतों का जब निर्माण होता है, ये पर्वत है, ये सागर तल, पर्वतीय भूभाग जो है वो सब सियाल से बना हुआ है, और सियाल जो है वो अधस्तर या सीमा के ऊपर तैर रहे हैं। जैसे जब पर्वतीय भाग का निर्माण होता है तो साथ ही अपरदनकारी शक्तियां जो होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, और यहाँ पर अपक्षय और अपरदन की क्रिया चलती रहती है। अपरदन होता है, परिवहन होता है, और निक्षेपण होता है। इसके द्वारा जो पर्वतीय भाग हैं इनकी ऊंचाई कम होने लगती है, और जो भार यहाँ से जो पदार्थ होते हैं उनका निक्षेपण विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा सागरीय तली में होने लगता है। इससे सागरीय तली में क्या होता है, भार बढ़ने लगता है, ये भाग नीचे धंसने लगता है, और ये भाग जो होता है ये अपरदन के कारण नीचा होने लगता है, हल्का होने लगता है, ये अधिक भारी होने लगता है। और इसके वजह से क्या होता है कि मैग्मा में या सीमा में जो पदार्थ होता है वो सागरीय तल से नीचे नीचे पर्वतीय भागों की ओर आता है, और यहाँ से इसको धक्का देता है, और पर्वतीय भागों में फिर वो ऊंचे उठने लगते हैं। और इस प्रकार से एक चक्र के रूप में जो भूभाग के ऊपर संतुलन की स्थिति नहीं होती, दशा जो है संतुलन की व्यवस्था बनी रहती है, लेकिन यह कार्य बहुत मंद गति से होता है। और कई बार क्या होता है कि जब भूभाग में या भू संतुलन में तीव्र भूगर्भिक शक्तियों के कारण कहीं भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया आदि क्रियाओं के द्वारा, भूगर्भिक क्रियाओं के द्वारा जब असंतुलन वृहद स्तर पे होता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति जो है वो प्रकृति या पृथ्वी अपने आप नहीं कर पाती है, अन्यथा मंद गति से भूतल पर संतुलन की व्यवस्था जो दशा है वो इस प्रकार से बनी रहती है। थैंक यू।